फ्रेंड्स सारे के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं और एक नया बस जो राउरकेला से भुवनेश्वर जा रही है। अभी फिलहाल ही कुछ दिन हुआ है दोस्तों, ये बस से स्टार्ट हो चुका है राउरकेला से। आप इस नए बस में आप सफ़र कर सकते हो। इसका अंदर का व्यू और बाहर का नज़ारा पूरा बढ़िया से दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ इस वीडियो में आपको मिलेगी इस बस की कॉन्टैक्ट नंबर और इस बस के सारे डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चले आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फ्रंट व्यू को देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में गुलटी लिखा हुआ आपको मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे भुवनेश्वर और राउरकेला लिखा हुआ मिल जाएगी। उससे आप फ्रंट व्यू को देख लीजिए कुछ इस तरह से, और इसका यहाँ पे आपको मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाइपर मिल जाती है इस साइड में, और ये ओपनिंग हुआ है कुछ ही दिन हो रही है इसलिए ये बढ़िया से डेकोरेट किया गया है। उसके बाद इस साइड में आप देख लीजिए हेडलाइट सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, उसके बाद इस साइड में भी हेडलाइट सेटअप मिल जाएगी। इससे बस की नज़ारा कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे बैकलाइट सेटअप मिल जाती है इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में। इस बस का बैक प्रोफाइल को आपको कुछ इस तरह से मिलेगी दोस्तों, कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी बढ़िया बस है। आप यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो एसी का सिंबल दिया गया, उसके बाद उसमें वाली सीट का, और यहाँ पे स्लीपर और वाईफाई ये सब कुछ यहाँ पे सिंबल दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी विंडो भी है, वो सब कुछ इंडिकेट किया गया है, और सीढ़ी दिया गया ताकि जितने भी लगेज है वो सारे लगेज के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है, वो सेफ्टी के हिसाब से वो कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसका साइड प्रोफाइल को देखिए, साइड प्रोफाइल कुछ आपको इस तरह से लगेगी, वो इस साइड में पूरा टफ एंड ग्लास आपको मिल जाएगी, और इमरजेंसी विंडो और गुलटी वो लिखा हुआ मैं आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स और एक बार देख लीजिए ड्राइवर केविन को, और यहाँ पे ऊपर में कुछ इस तरह से जगमगाते हुए एक लाइट लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लगती है ये, जब रात को ये जलेगी। अभी तो मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक स्पीकर मिलेगी, वहाँ पे स्पीकर ये वेंटिलेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, और इस साइड में देखिए एक फ़ैन दिया गया है, उसके बाद डिजिटल वॉच दिया गया। जैसे ही आप इस बस के अंदर आओगे तो आपको टाइम वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी निगरानी करने के लिए यहाँ पे सीसी कैमरा रखा गया है, कौन चढ़ रहा है कौन नहीं वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती है। इसका अंदर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो सीसी कैमरा है ये काफ़ी बढ़िया है, हर बस में आजकल होती है और होनी भी चाहिए। यहाँ पे स्टेयरिंग देखिए कुछ इस तरह का मिलती है इस बस में। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। दोस्तों इस बस के अंदर जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे बढ़िया सा यहाँ पे कैमरा आपको इंस्टॉल हुआ देखने को मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बैलून आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे एलईडी सेटअप यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एलईडी टीवी है, और उसका भी लुत्फ उठा सकते हो। और इस यहाँ पे वेंटिलेटर है, यहाँ पे वेंटिलेट करने के लिए यहाँ वेंटिलेटर है। उसके बाद नज़ारा को आप देखिए, इस बस में आपको 2x1 का सीट मिलती है दोस्तों, और वो सारे फैसिलिटीज भी मिलती है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें टोटल 34 सीट मिलती है आप देख सकते हो, और स्लीपर दिखाऊंगा तब स्लीपर का बताने वाला हूँ, एक ही साथ नहीं बताने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। और बीच बीच में इस तरह का सीढ़ी दिया गया ताकि स्लीपर में आपको चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप स्लीपर में चढ़ सको, इसलिए ये दिया गया है। और इसका कंफर्ट को मैं चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बैठ के दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीट आपको इसमें मिलती है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो यहाँ पे
मैं इसमें बैठ चुका हूँ, फिर भी आप देखिए कितना स्पेस यहाँ पे बचा है। यानी कि आप अगर मोटे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बस में सफर कर सकते हो, क्योंकि इसका सीट ही चौड़ी चौड़ी है, काफी बढ़िया है, आरामदायक इसमें सफर कर सकते हो। और ये पुशबैक भी है, इसको अगर यहाँ पे दिया गया इस तरह से पुशबैक करके, मतलब बैक करके आप आराम से सफर कर सकते हो। उठने के बाद यहाँ पे फ्रंट का नजारा आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, यानी कि फ्रंट में जो आपको मिलेगी यहाँ पे अपना बोतल रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया, उसके बाद यहाँ पे मैगजीन होल्डर यहाँ पे दिया गया, उसके बाद इस साइड में अपने फूड रेस्ट यहाँ पे दिया गया, ताकि आराम से यहाँ पे अपने पैर रख के आप आराम से आधा लेट के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये काफी बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे एक हैंग करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस बस का सीट को आपको देखिए, इस बस में सीट आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, इतनी चौड़ी चौड़ी मिलेगी, काफी बढ़िया है। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी काफी बढ़िया है, इसमें मैं बैठ के देख चुका हूँ। तो आप एक बार जो सफर कर चुके हैं इसमें, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि ये उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 2x1 का इसमें आपको सीट मिल जाती है, तो ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी आपको मिलती है। अगर 2x2 रहती तो शायद थोड़ा सा कम चौड़ी रहती, पर 2x1 है इसलिए चौड़ी आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे बस का नाम लिखा हुआ मिल जाएगी, और येलो में ये कवर है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, येलो में बस की कवर होने से और अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको सीट की नंबर मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रीडिंग लाइट यहाँ पे दिया गया, इसका स्विच भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको बंद कर सकते हो और इसको ऑन भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एसी बैंड, ये मैनुअली इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इस बस में आप सफ़र करोगे तो आपको पावर बैंक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए ख्याल रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक USB पॉइंट दिया गया है, चाहे आप का जो भी मोबाइल हो यहाँ पे आराम से चार्ज कर सकते हो, और मोबाइल में कुछ भी मूवी वूवी देखते हुए आप सफ़र कर सकते हो, अगर आपको नींद ना आए तो। आप देख लीजिए ये पुशबैक सिंगल सीट को, और पुशबैक सिंगल सीट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बस की नाम लिखा हुआ मिल जाएगी, उसके बाद फिलहाल के लिए यहाँ पे बैलून है, और ये हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ सजा हुआ आपको मिलेगी। यहाँ पे पुश करने के लिए वहाँ पे दिया गया है, उसके बाद आपको इस साइड में वो सारे फैसिलिटीज मिलती है जो कि आपको ज़रूरत है। यहाँ पे राइट साइड में एक स्टॉप बटन दिया गया, यानी कि कॉलिंग बेल है ये, आप अगर बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद रहती है, तो उस वक्त यहाँ पे आप एक बार प्रेस कर सकते हो, ताकि वहाँ ये दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। अभी मैं आपको इस बस की सिंगल स्लीपर को दिखा रहा हूँ, और सिंगल स्लीपर में देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, यानी कि कर्टन मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो वहाँ पे मोबाइल रखने के लिए होल्डर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे रीडिंग लाइट, एसी बैंड और मोबाइल चार्ज करने के लिए कनेक्शन दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिलो दिया गया है, उसके साथ साथ इनबिल्ट वाला भी है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है पिलो बढ़िया वाला। अगर इस साइड नज़र घुमाए तो यहाँ पे देखिए बोतल रखने के लिए एक होल्डर दिया गया, और यहाँ पे एक स्टैंड दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक एसी बैंड दो साइड है, एक सिर की तरफ एक पैर की तरफ है, और पूरे नज़ारा को आपको दिखाता हूँ। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभाल। अब मैं आपको डबल स्लीपर दिखा रहा हूँ, और डबल स्लीपर देखिए कुछ इस तरह से है, काफ़ी बढ़िया है, और सारे फैसिलिटीज जैसे सिंगल में मिलती है वैसे ही इसमें भी मिलती है, और ये दो पैसेंजर के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हो एक स्टैंड यहाँ पे एक है, पर यहाँ पे जो है आपको बोतल रखने के लिए होल्डर आपको दो मिल जाती है। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिर राना जरीनों से मैं, तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दिल जिगर, सुन जरा बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने,
मैं तेरा बिस्मिल हो गया। इस गुलटी बस के बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको दे देता हूं जो कि काफी जरूरी है। ये बस दोस्तों हाल ही फिलहाल में यहां से राउरकेला से भुवनेश्वर के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो आप इस नया बस में सफर कर सकते हो। ये राउरकेला से भुवनेश्वर को जाती है और भुवनेश्वर से राउरकेला जाती है। इसका सर्विस डेली है, आप हर दिन जा सकते हो इस बस में। उस बस का जो टाइमिंग है 9 बजे है और 9 बजे यहाँ से राउरकेला से खुलती है और भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाती है। भुवनेश्वर में भी ये 9 बजे है और फिर यहाँ पे भोर में पहुँच जाती है। इस बस में आपको 2x1 का सीट और 2x1 का स्लीपर मिलती है। इसमें टोटल सीट आपको 34 सीट मिलती है और यहाँ पे टोटल स्लीपर इसमें आपको 15 स्लीपर मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों इस बस में आपको आरामदायक यहाँ पे सीट मिल जाती है, सीट के वहीं पे अच्छा अच्छा फैसिलिटीज मिलती है। इसका जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल की ये रेट है, तो इसमें जो सीट का रेट है 500 रुपये भुवनेश्वर तक का, उसके बाद स्लीपर का रेट है 600 रुपये भुवनेश्वर तक का। ये फिलहाल की रेट है, ये जब डीजल रेट बढ़ती है पेट्रोल बढ़ती है तभी रेट भी बढ़ती रहती है। तो जब आप जिस समय भी सफ़र करोगे उस वक्त में जो रेट रहेगा उसी रेट के अनुसार आप इसमें पे कीजिएगा। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा और इसमें आपको कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हो। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन आपको करना होगा, गूगल पे में करना होगा। आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है, इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और अपना सीट को कंफर्म कर दीजिएगा। और जो भी सफ़र कर चुके हैं तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक बताइएगा। काफ़ी बढ़िया है, अच्छा लग रहा है देख के और अच्छा लग रहा है कि यहाँ से राउरकेला से काफ़ी भुवनेश्वर के लिए अच्छी अच्छी बस जाती है, बढ़िया बस जाती है और ये बस भी जा रही है, काफ़ी बढ़िया है। तो आप इसमें सफ़र कीजिए और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बस की जो ओनर है और इस बस के जो भी स्टाफ है इनको धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे वीडियो करने के लिए अलाउ किया। ये नया बस है इसलिए आपको जल्दी बुकिंग करना होगा, तभी आपको सीट मिलेगी या स्लीपर मिलेगी। अगर आगे का सीट चाहते हो या तो बीच का सीट चाहते हो तो जल्द से आप जल्द बुकिंग कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, बड़े से रहिए। ओके, बाय बाय।